I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे ग्रैनी, जो कि निंजा टर्टल बन चुकी है। ग्रैनी के अलग अलग मोड होते हैं, जिसमें से एक मोड ये है जिसमें ग्रैनी निंजा टर्टल बन चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं इस गेम को। तो भैया जैक को बुला लेता हूँ। भैया कहाँ आया, आ जाइए। ओए ऑगी, आज भी मैं अकेला नहीं हूँ, आज मैं तेरे दोस्त बॉब को एक बार और साथ में लाया हूँ, तो मिल बॉब से। आओ ऑगी, मैं हूँ बॉब, तेरा बॉब, फिर से आ गया मैं ग्रैनी खेलने। अरे बॉब, मजा आ गया, तुम आ गए, देखो ग्रैनी के घर की हालत तो देखो, हर जगह निंजा टर्टल्स की फोटो लगी हुई है। अरे निंजा टर्टल्स, इनको तो मैं जानता हूँ, इनकी तो कॉमिक भी मैंने पढ़ी है और मूवी भी देखी है। अरे हाँ मुन्ना, मैंने तो इनके वीडियो गेम भी खेले हैं, बहुत ही मजा आता है। अरे जरा नीचे तो देखिए भैया, ग्रैनी ने हमें देखा तक नहीं और वो टर्टल बन के घूम रही है। और जो मेरे प्यारे दोस्त निंजा टर्टल के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि ये कछुए हैं, जो एक एक्सपेरिमेंटल के कारण बड़े और स्ट्रांग हो गए हैं और आदमी जैसे उनके हाथ पैर भी निकल आए हैं। ये चार कछुए हैं जो चारों भाई हैं, इनके पास अपने अपने अलग अलग हथियार होते हैं, जिनके नाम हैं माइकल एंजेलो, राफायल, डोनाटेलो और लियोनार्डो। अगर आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं तो सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। अरे हाँ मुन्ना, मुझे याद है, डॉन के पास एक बड़ा डंडा होता था, लियो के पास तलवार होती थी, माइकल एंजेलो के पास नान चाकू होता था और राफेल के पास एक छोटा चाकू टाइप का होता था। अरे हाँ, बॉब को सब याद है, कैसे निंजा टर्टल लड़ते थे, बॉब ने भी काफी मस्ती की है। वो तो सब ठीक है बॉब, लेकिन अब भागना होगा क्योंकि ग्रैनी हमारे पीछे बढ़ गई है। अब देखो ऊपर का रूम, जिसमें ये आदमी हरा कलर का हो गया है, लेकिन बाकी सभी चीजें वैसे की वैसे ही है। तो ग्रैनी आ चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। अरे मुन्ना चल अब नीचे का रूम देखते हैं कि कैसा है, किचन को देख कैसे दिख रहा है, और वो देख टर्टल बनी नानी कैसे हमारे पीछे आ रही है। इसे मैं चकाता हूँ भैया, तब तक आप नीचे का नजारा देखिए। देखिए यहाँ भी निंजा टर्टल्स की पोस्टर लगी हुई है, देखिए जगह जगह टर्टल ही टर्टल दिख रहे हैं और दादी हमारे पीछे पड़ी हुई है। ओए मुन्ना चल अब पीछे जाके देखते हैं कि पीछे कैसा दिख रहा है। ठीक है भैया, देखिए पीछे का नजारा देखिए कैसा दिख रहा है, इसकी जमीन तो पूरी सूखी हुई नजर आ रही है, पानी नहीं गिरा लगता है, और दीवार में देखिए कैसी अजीब सी फोटो बनी हुई है, बिल्कुल हरे कलर की। उसके अलावा तो सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा है। आओ ऑगी, ये देखो टनल, बाप को टनल पसंद नहीं है, तो फिर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ठीक है बाप, डरो नहीं, वैसे भी ग्रैनी पीछे है तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ का रूम देखते हैं कैसा दिखता है। ओए मुन्ना देख, ब्लड तो पूरा नीला दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है। अब नीचे गैराज में जाते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है। देखिए भैया, यह है ग्रैनी की गाड़ी, जो पूरी निंजा टर्टल के रूप में बदल चुकी है। देखिए ये दरवाजा भी काफी अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मेटल का बना हुआ हो। सीढ़ी पर भी निंजा टर्टल की फोटो लगी हुई है देखिए, और देखिए ग्रैनी फिर से हमारे पीछे आ गई, भागना होगा अब क्योंकि ग्रैनी के पास डंडा है, वो मार भी सकती है। और ग्रैनी ने तो आंखों में पर्पल कलर की पट्टी भी बांधी हुई है। आओ ऑगी, बॉब को मौका दो, बॉब ग्रैनी को नहीं छोड़ेगा। सबर करो बॉब, कुछ नहीं, अभी हमारे पास ना शॉटगन है ना कोई हथियार, तो तुम ग्रैनी को कैसे मारोगे, उल्टा ग्रैनी तुम्हें मार देगी और पकड़ लेगी। ओए मुन्ना चल ऊपर वाले रूम में टैडी के पास चलते हैं, देखते हैं टैडी का क्या हाल है।
देख दरवाजे पर निंजा टर्टल की फोटो लगी हुई है और ढकेलने पर टैडी तो पूरा हरा हो चुका है। बिल्कुल भैया, क्योंकि निंजा टर्टल तो हरे होते हैं तो टैडी को हरा होना ही था। तो चलिए अब हम क्रो वाले रूम में चलते हैं जो ये हिडन रूम है, वहाँ देखते हैं माहौल कैसा है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसा का वैसा ही है। और नीचे जाकर देखते हैं, ये रूम भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। ओए आगी, हम सबसे ऊपर वाले रूम में अभी तो गए नहीं हैं। चलो जाके देखते हैं कि मकड़ी का क्या हाल है। ठीक है बाप, चल के देखते हैं, पर ध्यान रखना होगा कि ग्रैनी आसपास तो नहीं, भाग रहा होगा जल्दी से। आगी, ग्रैनी की फिक्र मत करो, अगर ग्रैनी आ भी गई तो बाप उसकी कर देगा डाकी चिकी डाकी चिकी डा। बाप थैंक यू बोलने के लिए। देखिए ग्रैनी ने यहाँ ट्रैप भी छोड़ के रखा हुआ है, पर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो देखो हमें सबसे पहले स्पेशल की ढूंढनी होगी, जो कि ये देखो यहाँ मिल गई ओवन में। अब हम सबसे ऊपर वाले रूम में जा सकते हैं, तो ग्रैनी हमारा पीछा कर रही है, भागना होगा। अरे वाह मुन्ना, तुझे स्पेशल की भी मिल गई, चल अब जल्दी से सबसे ऊपर वाले रूम में चलते हैं और हमारे स्पाइडर से मिल के आते हैं। देखे तो स्पाइडर कहीं टर्टल में तो नहीं बदल गया। भैया आप भी बड़ा मजाक करते हैं, स्पाइडर कैसे टर्टल में बदल जाएगा? ओए आगी, जब ग्रैनी टर्टल में बदल सकती है तो स्पाइडर क्यों नहीं। चल देख के देखते हैं कहाँ है स्पाइडर। ओ स्पाइडर ने हमें मार दिया होगी, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बाप, अब इसे अगले पार्ट में मारेंगे। तो ये था वीडियो भाई, आपको होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। Take care of my heart.